नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं UPL कंपनी का उलाला इंसेक्टिसाइड के बारे में। वीडियो में हम आगे विस्तार से जानेंगे इसमें कौन सा टेक्निकल होता है, कौन सी फसल में दे सकते हैं, कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, कितना डोज देना चाहिए, इसकी रेन फास्टनेस क्या होती है, रिजल्ट टाइम कितने समय का होता है, कितने दिन का होता है, ये A to Z पूरी जानकारी हम आगे वीडियो में देंगे आपको। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। UPL कंपनी का जो उलाला इंसेक्टिसाइड है उसके टेक्निकल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें टेक्निकल जो होता है फ्लोनिकामेड 50% WG के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसमें फ्लोनिकामेड 50% WG के फॉर्म में टेक्निकल देखने को मिलता है। WG का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल ग्रेन्यूल, यह पानी में 100% घुलनशील होता है और यह दिखने में हल्के सेव जैसे दिखता है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। बात करते हैं उलाला इंसेक्टिसाइड कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, यह सकिंग पेस्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है, जैसे वाइट फ्लाई, एफिड्स, जेसेड्स, थ्रिप्स, BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर पर बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। सभी रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है। इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। उलाला इंसेक्टिसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो फसलों में सिस्टमिक तरीके से काम करता है, लंबे समय तक रिजल्ट देता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी देखने को मिल जाता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन का मतलब होता है दवाई पत्तों के ऊपरी सतह पर पड़ने से दवाई पूरे पौधे में फैल जाती है और कहीं भी कीट छुपे हों उन कीटों को कंट्रोल आसानी से कर देता है। यह उलाला इंसेक्टिसाइड कीटों के डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं इसको हम कौन कौन सी फसल में दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप लगभग सभी प्रकार की फसल में दे सकते हैं, जैसे सभी सब्जी वर्गीय फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, सभी रबी व खरीफ की फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे धान, टमाटर, भिंडी, कपास, मूंगफली, चना, अरहर, मटर, सोयाबीन इत्यादि फसल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रिजल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है। डोज के बारे में बात करते हैं। 15 लीटर पानी में 5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, यदि आप एक एकड़ खेत का घोल बनाते हैं तो आपको 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। यदि आपके खेत में, आपकी फसल में ज़्यादा सकिंग पेस्ट यानी ज़्यादा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है तो आप डोज को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। आपको 200 लीटर पानी में 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। बात करते हैं इसके रेनफास्ट एक्टिविटी के बारे में या रेनफास्टनेस के बारे में। कम से कम दवाई का स्प्रे करने से 2 घंटे तक पानी नहीं गिरना चाहिए, 2 घंटे तक बरसात नहीं होना चाहिए। 2 घंटे के बाद बरसात हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इतने समय में दवाई आसानी से काम कर जाती है। और ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए किसान भाइयों, इसमें आप सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको आती है उसका उपयोग ज़रूर करें जिससे रिजल्ट और अच्छे देखने को मिलते हैं। रिजल्ट टाइम के बारे में बात करते हैं। इसका रिजल्ट टाइम लगभग 12 से 15 दिनों के आसपास देखने को मिलता है। इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। UPL कंपनी का उलाला इंसेक्टिसाइड की जो प्राइस आती है 150 ग्राम की प्राइस 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है, तो वहीं 60 ग्राम पैक की कीमत आपको लगभग मार्केट में 500 से 600 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है। प्राइस कम या ज़्यादा भी हो सकती है आपके समय के अनुसार और जगह के अनुसार, एरिया के अनुसार प्राइस बदलती रहती है, इसलिए आप प्राइस पर ना जाएं। यह प्रोडक्ट आपको आपके नज़दीकी कीटनाशक की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी हमने आपको UPL कंपनी का उलाला इंसेक्टिसाइड के बारे में दी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।